की परिभाषा देखेंगे तो जब कोई पदार्थ विलयन में संगुणित या वियोजित होता है तो उसका प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान सामान्य से क्रमशः अधिक या कम आता है, जिसे असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। दोस्तों इस परिभाषा को मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं आपको बता देता हूँ संगुणन का क्या अर्थ है, संगुणित होने का क्या अर्थ है। तो दोस्तों संगुणित होने का अर्थ होता है कि यदि कोई पदार्थ है जिसको हम विलायक में घोलते हैं और विलायक में घुलने पर उसके कई अणु आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़कर एक बड़ा अणु बनाते हैं तो उसको हम कहेंगे संगुणित होना। और यदि किसी पदार्थ को घोलने पर उसका अणु अपने से छोटे अणु में टूट जाता है तो उसको कहेंगे वियोजित होना। और दोस्तों यहाँ पे एक शब्द लिखा है प्रेक्षित, सॉरी एक शब्द लिखा है प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान। तो प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान मीन्स होता है ऑब्जर्व्ड या आप लिख सकते हैं एक्सपेरिमेंटल मोलर मास। तो दोस्तों जब कोई पदार्थ ऐसा हो जिसको हम विलयन में मिलाएं और विलयन में मिलने पर वो या तो संगुणित हो या फिर वियोजित हो, तो इस अवस्था में जो प्रेक्षित यानी एक्सपेरिमेंटल मोलर मास होगा, एक्सपेरिमेंटल मोलर द्रव्यमान होगा, वो सामान्य मोलर द्रव्यमान से अधिक आएगा या फिर कम आएगा। और जो नया मोलर द्रव्यमान हमको मिलेगा जो सामान्य से ज़्यादा या कम होगा उसको हम असामान्य मोलर द्रव्यमान कहेंगे। दोस्तों यहाँ से आपको एक ब्रीफ आइडिया मिला होगा असामान्य मोलर द्रव्यमान का। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो हम जानते हैं कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें जल में घोलने पर वे संगुणित हो जाते हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए एसिटिक एसिड के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं कि एसिटिक एसिड जो होता है वो जल में घोलने पर संगुणित होता है, यानी उसके दो अणु आपस में जुड़ जाते हैं। और यहाँ पे संगुणन को हम एक सामान्य समीकरण से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो हम लिख रहे हैं Na इक्वल टू An। दोस्तों यदि हम इस साइड में देखें तो हमने ए की एन अणु को लिया है और जब इसको हमने विलयन में मिलाया है तो ये विलयन में जाकर जो एन अणु अलग अलग थे वो आपस में जुड़कर एक बड़ा अणु बना लिए हैं जिसको हमने ए एन लिखा है। इस अवस्था में विलेय का प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल मोलर मास होगा वो सामान्य से अधिक आएगा, जिसे असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। अब दोस्तों ये सामान्य से अधिक क्यों आएगा, क्योंकि सामान्य में जो है वो हम बिना घोले देखें जो नॉर्मल कंडीशन में है तो ए का मोलर द्रव्यमान ए का है और यहाँ पे ए के कई अणु आपस में जुड़ जा रहे हैं और जुड़ने से बड़ा अणु बन रहा है, तो बड़े अणु का मोलर द्रव्यमान थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब भी किसी पदार्थ का विलयन में संगुणन होगा तो उसका मोलर द्रव्यमान हमेशा सामान्य से अधिक आएगा। दोस्तों हम ये भी जानते हैं कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसको जल में घोलने पर वो वियोजित हो जाते हैं, जैसे NaCl, KCl का हम एग्जांपल ले सकते हैं। और इसे हम लोग एक सामान्य समीकरण से व्यक्त करें तो यहाँ पर An और टूट के N मॉलिक्यूल्स आप A बन गए। अब दोस्तों क्योंकि यहाँ जो विलेय के अणु हैं वो टूट जा रहे हैं, टूट कर छोटा अणु बन जा रहा है, तो जो प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान मिलेगा वो सामान्य से जो प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान मिलेगा वो सामान्य से कम आएगा, क्योंकि पहले अणु बड़ा था घुलने के पहले और घुलने के बाद वो छोटा हो गया है। तो अब जब हम विलयन पे कोई एक्सपेरिमेंट करके किसी प्रयोग द्वारा मोलर विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि क्योंकि विलेय विलयन में छोटा कण में छोटे कण में परिवर्तित हो गया है तो मोलर द्रव्यमान भी कम आएगा और इस नए मोलर द्रव्यमान को हम कहेंगे विलेय का असामान्य मोलर द्रव्यमान। तो अभी हमने आपको बताया क्योंकि विलेय का अणु जल में घोलने पर छोटे अणुओं में टूट जाता है अतः विलेय का प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान सामान्य से कम आता है। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया कि जब विलयन में विलेय के अणुओं का संगुणन होगा तो मोलर द्रव्यमान सामान्य से अधिक आएगा और यदि विलयन में विलेय के अणुओं का वियोजन होगा तो मोलर द्रव्यमान सामान्य से कम आएगा। और इन दोनों ही जो अलग मान मिलेंगे चाहे अधिक में मिले चाहे कम में मिले उसको हम कहेंगे असामान्य मोलर द्रव्यमान। इस समस्या के समाधान के लिए अब यहाँ पे समस्या क्या थी कि जो हम लोग कैलकुलेटेड निकालते हैं, मतलब हम जो सामान्य मोलर द्रव्यमान जिसकी गणना करते हैं या जिसका कैलकुलेशन करते हैं वो कुछ कम रह जाता है, वो उसका मान अलग रह जाता है, और जो एक्सपेरिमेंटल मोलर मास मिलता है उसका मान अलग होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हम चाहते हैं कि दोनों मोलर द्रव्यमान बराबर आएँ। तो इस समस्या के समाधान के लिए, ताकि ये दोनों बराबर रहे मान, समस्या के समाधान के लिए वानटॉप नामक एक वैज्ञानिक ने एक गुणक के बारे में बताया जिसे हम वानटॉप गुणक कहते हैं। वानटॉप गुणक को आई से प्रदर्शित करते हैं और वानटॉप गुणक को एक समीकरण द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं। हम लिखते हैं वानटॉप गुणक आई बराबर सामान्य मूलर द्रव्यमान बटे असामान्य मूलर द्रव्यमान।
और दोस्तों यहाँ से हम वांठा गुण को परिभाषित भी कर सकते हैं, विलेय के सामान्य मोलर द्रव्यमान एवं असामान्य मोलर द्रव्यमान के अनुपात को वांठा गुणक कहते हैं। दोस्तों वांठा गुणक की सूत्र को हम थोड़ा दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं सामान्य मोलर द्रव्यमान की जगह पे परिकलित मोलर द्रव्यमान। परिकलित मोलर द्रव्यमान में होता है गणना या कैलकुलेटेड मोलर मास कह सकते हैं आप, और असामान्य मोलर द्रव्यमान को हम लिख सकते हैं प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान, क्योंकि असामान्य मोलर द्रव्यमान हमको कहाँ से मिलता है, एक्सपेरिमेंटल होता है, तो एक्सपेरिमेंटल को हिंदी में हम प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान कहते हैं। अब दोस्तों प्रश्न लगाने में हमको ये थोड़ा जानना चाहिए कि सामान्य मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे और कब मोलर द्रव्यमान को असामान्य मोलर द्रव्यमान कहेंगे। तो दोस्तों किसी पदार्थ के का सामान्य मोलर द्रव्यमान उसके अणुसूत्र में उपस्थित सभी परमाणुओं के मोलर द्रव्यमानों का योग करके प्राप्त किया जाता है। जैसे एक उदाहरण से बात को क्लियर कर लेते हैं कि एसिटिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान हमको ज्ञात करना है, सामान्य मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो हम एसिटिक अम्ल के फार्मूले में जितने भी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे सबके मोलर द्रव्यमान को ऐड कर लेंगे, और ऐड करेंगे तो 60 आएगा। दोस्तों यहाँ पे यूनिट छूट गया है, तो मोलर द्रव्यमान का यूनिट ग्राम होता है। आपको पहले से पता होगा कि मोलर मास को हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। अब दोस्तों इसका असामान्य मोलर द्रव्यमान का मीन्स क्या होगा कि किसी अणुसंख्यक गुण द्वारा प्राप्त मोलर द्रव्यमान को असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। अब दोस्तों असामान्य मोलर द्रव्यमान कैसे प्राप्त होगा, तो हम क्या करेंगे, एसिटिक एसिड को लेंगे, इसको वाटर में मान लीजिए हम डिजॉल्व करेंगे और एक विलयन बनाएंगे, और उस विलयन में हम किसी अणुसंख्यक गुण का अध्ययन कर सकते हैं जो हमने पीछे पढ़ा है, जैसे हम वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान, क्वथनांक का उन्नयन, या फिर हम लोगों ने परासरण दाब पढ़ा, ठीक है, और हिमांक का अनुमान पढ़ा। तो उसमें से किसी भी अणुसंख्यक गुण को लेंगे और वहां से हम मोलर द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। जैसे मैं उदाहरण लूं तो हमने पढ़ा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट यानी कि जो क्वथनांक का उन्नयन होता है उससे जब हम मोलर द्रव्यमान ज्ञात करते हैं तो इसके लिए ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से जो मोलर द्रव्यमान हमको मिलेगा उसको हम कहेंगे असामान्य मोलर द्रव्यमान, और बिना घोले ही हम जब परमाणुओं को सारे परमाणुओं के मोलर द्रव्यमान को ऐड करके मोलर द्रव्यमान प्राप्त करेंगे अणु का, तो उसको हम कहेंगे सामान्य मोलर द्रव्यमान। दोस्तों यदि इस इक्वेशन में हम लोग देखें तो यहाँ पे जो कैपिटल एम लिखा गया है विलेय का मोलर द्रव्यमान, केएफ जो होता है मोलर उन्नयन, सॉरी केबी यहाँ पे लिखना चाहिए, तो केबी जो होता है मोलर उन्नयन स्थिरांक होता है, और डब्ल्यू टू जो होता है विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, डेल्टा टी भी क्वथनांक का उन्नयन, और डब्ल्यू वन जो होता है विलायक का द्रव्यमान ग्राम में होता है। दोस्तों यहाँ पे एक मिसप्रिंट है कि यहाँ पे केएफ नहीं बल्कि केबी होना चाहिए, क्योंकि आप इक्वेशन में देखेंगे तो केबी है। दोस्तों केएफ क्या होता है, तो मोलर अनुमान स्थिरांक होता है, और ये हिमांक के अनुमान के लिए कांस्टेंट के रूप में यूज किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, आपको समझ में आया होगा मोलर द्रव्यमान क्या होता है और मोलर द्रव्यमान कब मोलर द्रव्यमान असामान्य हो जाता है। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकूं। और यदि दोस्तों आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।